नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EWS रिजर्वेशन को लेकर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, उसको मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा चुका है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं दिया है। उसमें अगली सुनवाई हमें 28 मार्च मिली है। तो जब तक स्टे नहीं होगा तो सर्टिफिकेट बनेंगे, वो जो न्यू रिक्रूटमेंट आ रही हरियाणा के अंदर उनमें EWS की वैकेंसीज अलग से आ रही हैं, SSC के थ्रू जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें अलग से आ रही हैं, और रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज आ रही हैं EWS की या फिर टोटल उनमें भी EWS की अलग से वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन सर्टिफिकेट बनने अभी शुरू नहीं हुए हैं। इस मामले में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी राय अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की राय अलग है, तो संशय बना हुआ है। और इनमें जो गड़बड़ी है मानदंडों में वो क्यों हुई है, क्या सोचने का तरीका अलग है, कहाँ पर जो है ये चीज़ें अलग हो रही हैं, इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। और कब से आपका जो है सर्टिफिकेट बनना शुरू होगा इस वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि मैं हरियाणा सरकार की बात करूँ, उसने चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी कर दिया है। पहले ऑर्डर जारी हुए थे बहुत समय पहले, लेकिन अब ऑर्डर भी जारी हो गया, साथ ही साथ उन्होंने परफॉर्मा भी सेंड कर दिया है। और दोस्तों, आज इसके अलावा एक वीडियो हमारे चैनल पर SBC स्पेशल बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन को के लिए भी आ सकती है कोर्ट में, वो भी मामला है। लेकिन अब उसका क्या औचित्य भी बनता नहीं बनता, क्या फ्यूचर रह सकता है SBC का हरियाणा के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने ऑर्डर जारी किया वो आपको दिखा देता हूँ। 13 मार्च को ये ऑर्डर जारी किया, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी डिप्टी चेयरमैन, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, सभी के नाम जो है ये लेटर एक एक कॉपी फॉरवर्ड कर दिया चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस एज वेल एज इन एडमिशन इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसमें यही बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है अब 22 जो दिसंबर है उसको गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया था, और अब जल्द से जल्द आप ये EWS का सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दीजिए। इसमें साथ में जो परफॉर्मा वो भी अटैच किया गया है। लेकिन ये सब सही है, चलो ठीक है भाई, दिया था सरकार ने और अब ऑर्डर जारी हो गए, बहुत जल्द बनने लग जाएगा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार बोल रही है कि जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख है वो EWS के दायरे में आएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये पास किया था उन्होंने जो मानदंड बनाए थे कि जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है उसको हम EWS का रिजर्वेशन देंगे। तो प्रदेश में 6 लाख से कम कमाने वाला ही गरीब, EWS परिवार पर केंद्र व प्रदेश सरकार के अलग नियम, सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों पर केंद्र और प्रदेश सरकार के अलग अलग नियमों से असमंजस की स्थिति बन गई है। केंद्र सरकार ने जहां सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 8 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले गरीब सवर्णों को आरक्षण की श्रेणी में रखा है, वही हरियाणा सरकार ने पारिवारिक आय की सीमा 6 लाख रखी है। तो इससे जो है दोनों में संशय बन गया, इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार EWS कोटे से बाहर हो जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का विधेयक पारित किया है। इसमें 8 लाख रुपए से कम घरेलू वार्षिक आय वाले परिवार को गरीब माना गया, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट तक के मकान, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 गज और गैर अधिसूचित नगर पालिकाओं में 200 गज से जो है कम आपकी ज़मीन होनी चाहिए। वही हरियाणा सरकार ने इसे 6 लाख से कम सालाना आय वाले जो लोग हैं उनको सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में रखा है। हालांकि ऑर्डर जारी हो चुके हैं, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट 6 लाख से कम का बना रही है, तो अब क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑर्डर जारी हो गए हैं और अब आपका विद इन 2 to 3 days आपका ये EWS का बनना शुरू हो जाएगा, बनवा लीजिए। और फॉर्म निकले हुए वो भी आप इसके तहत भरिए अगर आपको सही लगे तो। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही अपडेट दे रहा था कि थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंसेज बन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग राय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग राय है, लेकिन फिर भी स्टे नहीं हुआ है, बनेगा और ऑर्डर जारी हो गए हैं, अब धीरे धीरे ये बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की और भी अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। धन्यवाद दोस्तों।